सो हेलो एवरीवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इग्नू हेल्प डेस्क पर आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि इग्नू ने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रमोट करा था तो उनका रिजल्ट यहाँ पर आ चुका है रिजल्ट सभी स्टूडेंट्स का नहीं आया है किनका आया है किनका नहीं आया है तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा और यहाँ पर ये यह भी मैंने बताया कि आप जो रिज़ल्ट का कैलकुलेशन हो किस तरीके से करेंगे किस तरीके से आपको जो है मार्क्स दिए गए हैं इन सभी बातों के बारे में यहाँ पर जानेंगे और बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे जल्दी से जानेंगे और वीडियो को प्लीज़ सबसे पहले लाइक कर दें एंड शेयर कर दें वीडियो देखने के बाद एंड जो लोग नए आएँ चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो मार्क्स कैलकुलेशन है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ मान लीजिए आपको यहाँ पर सेकंड ईयर में प्रमोट करा गया था और सेकंड ईयर में प्रमोट करने के लिए आपको यहाँ पर आ, बताया गया था कि आ, या तो आपके आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे उसके बेसिस पर आपको प्रमोट करा जाएगा या फिर आपके जो पहले वाले एग्जाम हैं तो दोनों के लिए यहाँ पर मैं अभी बता रहा हूँ दोनों चीज़ें बट यहाँ पर कैलकुलेशन पहले बता देता हूँ तो मान लीजिए आपको सेकंड ईयर में प्रमोट करा जा रहा है और यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स है उसके बेसिस पर अगर आपको यहाँ पर प्रमोट करा गया तो किस तरीके से करा गया होगा ठीक है अगर आने वाले जो यहाँ पर एग्ज़ाम है उसमें भी अगर आपको प्रमोट करा जाएगा तो इस तरीके से करा जाएगा तो फर्स्ट ईयर में आपके जैसे मान लीजिए मार्क्स थे यहाँ पर एफ ई जी टू एफ ए जी वन एल एसी वन एंड एल एस सी टू तो यहाँ पर सिक्सटी टू फिफ्टी सिक्स सिक्सटी एंड सेवेंटी मार्क्स आपको यहाँ पर सामने दिख रहे होंगे और यहाँ पर मैंने क्रेडिट्स भी लिख रखे हैं तो यहाँ पर आपको मार्क्स कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको जो है जो चार क्रेडिट के कोर्स हैं जैसे कि एफ जी टू एंड एफ जी वन ये चार चार क्रेडिट्स के कोर्स हैं इनको आपको आठ क्रेडिट का करना होगा कैसे करेंगे आप एफ जी टू और एफ जी वन जो यहाँ पर इनके जो मार्क्स हैं उनको यहाँ पर हम प्लस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे टू से तो ये आपके जो है आठ क्रेडिट में बदल जाएंगे तो हमने यहाँ पर कर लिया सिक्सटी टू प्लस फिफ्टी सिक्स एक सौ अठारह हुआ और हमने टू से डिवाइड करा तो फिफ्टी नाइन मार्क्स आ गए तो ये दोनों का जो है एवरेज आ गया यहाँ पर फिफ्टी नाइन तो अब यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आएगा वो किस तरीके से आएगा तो हमने क्या करा यहाँ पर एफ एजी टू और एफ ए जी वन इन दोनों को हमने यहाँ पर प्लस करके एवरेज निकाला फिफ्टी नाइन और 59 में फिर एड कर दिया हमने एल एस और एल एस के मार्क्स मतलब 60 प्लस सेवेंटी बिकॉज एल एस और एल एस दोनों पहले से ही जो है आठ क्रेडिट के हैं तीनों को हमने यहाँ पर ऐड कर दिया 189 मार्क्स हो गए और तीनों का हम एवरेज निकालेंगे एवरेज निकालने के लिए तीन से हम डिवाइड करेंगे तो सिक्सटी मार्क्स बन रहे हमारे तो सिक्सटी जो मार्क्स होंगे आपके सेकेंड ईयर में जिसमें भी आपको प्रमोट करा जा रहा है तो सभी के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो एवरेज जो निकल रहा है सिक्सटी थ्री निकल रहा है इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर में जो सी एच ई टू सी एच ई फोर एंड एल एस सी सेवन में आपके सिक्सटी थ्री मार्क्स शो कर रहा है तो अगर आप अभी जो है ग्रेड कार्ड में चेक करेंगे तो आपके मार्क्स इस तरीके से ही दिखाएगा सेम दिखाएगा बिकॉज ये एवरेज निकाला गया है अब हम बात कर लेते हैं कि सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रमोट नहीं कराया गया किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रमोट करा गया है तो देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिसको सेकंड ईयर में प्रमोट करा गया था कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जो फर्स्ट ईयर में प्रमोट हुए थे तो जिन्होंने यहाँ पर जनवरी 2000 सॉरी जून uh, 2019 में एडमिशन लिया था जिनका एग्जाम जून 2020 को था उन सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को यहाँ पर पास कर दिया था प्रमोट uh, कर दिया गया था और उनको ये बोला था कि आपको जो प्रमोशन मिलेगा आपको जो भी आपका नेक्स्ट एग्जाम होगा उसके बेसिस पर आपको मिलेगा तो जून 2020 में जिन स्टूडेंट्स को पास करा गया उसके बाद तो एग्ज़ाम हुए ही नहीं जून है जून 2021 में होने ठीक है तो उनका प्रमोशन का रिजल्ट अभी नहीं आया है जब भी वो उनका आएगा तो इसी तरीके से उनकी कैलकुलेशन मार्क्स कैलकुलेशन होगी अब ये जो रिज़ल्ट आया है वो किन स्टूडेंट्स का आया है जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर सेकेंड ईयर में प्रमोट करा गया था मतलब जिनको यहाँ पर जून दो में सेकेंड ईयर का जो एग्ज़ाम देना था उन स्टूडेंट्स को यहाँ पर प्रमोट करा गया था और उनको ये बोला था कि आपको जो यहाँ पर हम प्रमोट करेंगे वो पिछले वाले जो आप एग्जाम दे चुके हैं मतलब फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम आप देख चुके हैं उनके बेसिस पर आपको यहाँ पर प्रमोट करा जाएगा तो ये उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर उसी हिसाब से मैंने आपको बताया है कि सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो पास करा गया फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से उनको प्रमोट करा गया है तो ये चीज़ थी ये बताना आपको ज़रूरी था आप अब ग्रेड कार्ड पर अपना चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट होता है या कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए शुक्रिया इसको शेयर जरूर करते मिलते हैं है अगली वीडियो में जब तक के लिए टेक केयर